अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न को पूछने का अनुमति दिया, मैं उत्तर दे रहा हूँ, यही तो पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी है। ये कोचिंग सेंटर की दुनिया से देश के विद्यार्थियों को बाहर लाना पड़ेगा, कानूनी तरीके से लाना पड़ेगा। प्रियंका जी ने बहुत अच्छी सप्लीमेंट्री पूछी, इतना विस्तृत जवाब आया है। इस सरकार को सर छुपाने के लिए कुछ नहीं है सर, हम उस बिरादरी के नहीं है। Sir, the NEP 2020 specifies the NTA will work to offer a high-quality common aptitude test, which shall aim to eliminate the need for taking coaching for these exams. Is the government aware that the common university entrance test, as designed in consonance with NEP, has led to the cropping of more coaching centres all over the country? And what measures are being taken against such coaching centres, which contradict the aim of the exam? Honourable Minister. अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य का एक प्रश्न मूल प्रश्न में है, वो उसमें उन्होंने शुरू किया, क्या एनटीए पार्लियामेंट को अकाउंटेबल है कि नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न को पूछने का अनुमति दिया, मैं उत्तर दे रहा हूँ, यही तो पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी है। इसलिए तो बिल्कुल एनटीए विभिन्न स्तर पर पार्लियामेंट के पास अकाउंटेबल है। दूसरी बात, एनईपी ने धीरे धीरे देश की विद्यार्थियों के अंदर परीक्षा की सुधार के लिए, परीक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एनटीए कई प्रकार की परीक्षाओं को विशेष करके विद्यार्थियों के लिए ले इसकी सुझाव दिया था। उसी पे एनटीए 2017 से शुरू होकर 18 में एक आकार लिया। लगभग पिछले 6 सालों में 5 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थी विभिन्न परीक्षा में अपीयर किए, सफलता के साथ अपीयर किए, उत्तीर्ण भी हुए, विभिन्न इंस्टीट्यूशंस में उनके एडमिशन भी हुई है। 250 तक परीक्षाओं को किया गया है। ये बात जो एक मैं आपकी अनुमति से सदन के सामने उसको रखना चाहूँगा, आज देश की जो युवाओं की विशेष करके एस्पिरेशनल सोसाइटी की जो तबका है, नियो मिडिल क्लास, देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उठ के ऊपर आ रहे हैं, ये सबके मन में प्रायोरिटी है आगे बढ़ना, एजुकेशन उसके माध्यम है। उसमें सर मैं अगर एक ही आप अनुमति से एक ही उदाहरण दूंगा सर, जो जब प्रधानमंत्री मोदी जी जिम्मेवारी लिए देश में, तब मेडिकल सीट की संख्या था 50,000-51,000, आज वो बढ़ के हमने पिछले 10 साल में उसको बढ़ा के 1,10,000 तक पहुँचाए। लेकिन विद्यार्थियों में, नौजवानों में जो स्पर्धा है अच्छा करने के लिए, उसमें कोचिंग सेंटर हमारी प्रतिबद्धता है। सरकार की ओर से कोचिंग सेंटर ना हो उसमें मेरे को कहने में कोई झिझक नहीं है, इसमें सबकी सहायता, सबकी मदद चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता इतना बढ़िया हो, सरकारी स्कूल्स को फोकस किया जाए। आज हमारी सेंट्रल स्कूल और नवोदय विद्यालय उसकी मिसाल है। अनेकों राज्यों में अच्छे पढ़ाई के कनाव की राज्य, पिछले दिनों में हाउस में तर्क उठी सीकर में क्यों अच्छा किया। अध्यक्ष जी, मैं बाद में जाके सीकर के कुछ सामाजिक व्यक्तित्व नेताओं के सामाजिक व्यक्तित्वों को बात किया, सर सीकर आप मेरे से ज्यादा जानोगे, पुराने समय से सीकर पढ़ाई लिखाई का एक केंद्र रहा है। ऐसे अनेकों स्टेट बोर्ड में आधारित अनेक केंद्र है जहाँ पढ़ाई की अच्छा प्रायोरिटी है। धीरे धीरे हम सबकी सहमति बनाते हुए ये कोचिंग सेंटर की दुनिया से देश के विद्यार्थियों को बाहर लाना पड़ेगा, कानूनी तरीके से लाना पड़ेगा, सामाजिक तरीके से लाना पड़ेगा, हमें इसमें सबकी सहयोग चाहिए। आई थिंक प्रियंका जी ने बहुत अच्छी सप्लीमेंट्री पूछी, इतना विस्तृत जवाब आया है। सप्लीमेंट्री नंबर 2, Priyanka Chaturvedi. It is answer, but I'm not satisfied with the answer he's given. Sir, very nice that he said accountability तय कर रहे हैं तो इसलिए पार्लियामेंट में जवाब दे रहे हैं। उम्मीद करती हूँ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जो एनटीए चेयरपर्सन जो भी बनेंगे वो आकर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में इन सारे सवालों का विस्तृत से जवाब देंगे। सर क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नंबर 2। सर, गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास क्या कोई डेटा है जो बता रहा है कि स्टूडेंट्स मूविंग अब्रॉड टू परस्यू मेडिकल डिग्रीज ड्यू टू इररेगुलरिटीज इन नीट टेस्टिंग, यूसेज ऑफ अनफेयर मींस इन एग्जामिनेशन एंड लॉस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द गवर्नमेंट, लो नंबर ऑफ सीट्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, व्हाट मेजर हैज द गवर्नमेंट टेकन टू अवॉइड दिस ब्रेन ड्रेन? ऑनरेबल मिनिस्टर। मैं अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रियंका जी को कहा कि एनटीए और सरकार की कोई भी इंस्ट्रूमेंट पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, अप टू सीएजी ऑडिट तक,
सभी प्रकार की अकाउंटेबिलिटी है। इस सरकार को सर छुपाने के लिए कुछ नहीं है। हम ये जीरो वाले थ्योरी पे पिछले दिनों में तो सरकारों में जिन मित्रों ने रहा, कोई सीएजी ऑडिट को इन्होंने जीरो के बराबर हिसाब किया था। सर हम उस बिरादरी के नहीं है। हम सभी प्रकार की अकाउंटेबिलिटी के साथ, प्रतिबद्ध के साथ कहते हैं। बाकी रहा उन्होंने कहा, मैं अभी अभी उनकी पहला सप्लीमेंट्री में उत्तर दिया, 2014 में देश में मेडिकल शिक्षा में सीट थी 51,000, टुडे दिस इज 1,10,000। माय गवर्नमेंट इज कमिटेड टू ओपन ए मेडिकल कॉलेज ग्रेजुअली इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री। इसलिए यह विषय हमारे ऊपर बेबुनियाद आरोप, ये बात सही है कि आज इतना नंबर में विद्यार्थी चाहते हैं पढ़ने के लिए, उतना सीट होनी चाहिए क्या? होनी चाहिए। लेकिन यह विषय को मेरे सरकार के ऊपर ये कहना कि आपने स्क्वीज कर दिया, कम कर दिया, मैंने तो हिजाब दिया, तथ्य दिया आपके सामने। अध्यक्ष जी, सत्य को सबको स्वीकार कर लेनी चाहिए।